हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे बादाम के बारे में। बादाम के जो सबसे तीन बड़े फ़ायदे आज उसके बारे में हम जानेंगे। उसके साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि बादाम को हमें कैसे खाना चाहिए, भिगा के खाना चाहिए या फिर बिना भिगाए खाना चाहिए या फिर हमें भून के खाना चाहिए, और बादाम में क्या क्या पाया जाता है। तो आज हम लोग कम्प्लीट बात करेंगे एलिमेंट के बारे में, बादाम के बारे में। बादाम को सुपर फूड कैटेगरी में रखा गया है। इसे पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें विटामिन्स, प्रोटीन, न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट और साथ ही साथ विटामिन ई भी पाया जाता है, कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। अब हम बात करें बादाम के तीन सबसे बड़े फ़ायदे में, जिसमें नंबर वन है हार्ट। हार्ट के लिए कितना बेनिफिट होता है बादाम, उसके बारे में हम जानेंगे। डायबिटीज़, शुगर में हमारे कितना कारगर होता है बादाम, हम उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा वेट के बारे में, कि हमारे वेट को कैसे कम करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको कम करने का काम करता है बादाम। इसमें दो कोलेस्ट्रॉल लेवल होते हैं, एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको डिक्रीज करने का काम करता है, और एचडीएल लेवल जो होता है कोलेस्ट्रॉल उसको इम्प्रूव करने का काम करता है होता है। यदि वो बढ़ा रहेगा, उसे मेंटेन करके रखेगा, तो हमें हार्ट अटैक की समस्या कम से कम होगी, और एलडीएल लेवल को जो कि हमारे हार्ट अटैक की संभावना को बढ़ाने का वर्क करता है, तो उसे कम करने का काम करता है। साथ ही साथ जो बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उसको ये कम करने का काम करता है, जिससे हमें हार्ट अटैक की कम हो जाती है। दूसरा डायबिटीज़ जो ब्लड शुगर का जो लेवल होता है उसे डिक्रीज करने का काम करता है, यदि हम बादाम अगर डेली एक मुट्ठी अगर खा रहे हैं तो। साथ ही साथ ये हमारे वज़न को घटाने में भी बहुत मदद करता है। काफ़ी लोग के मन में ये सवाल रहता है कि हमें भिगा के खाना चाहिए या फिर वैसे ही खा लेना चाहिए, या फिर हमें रात में खाना चाहिए, दिन में खाना चाहिए, खाली पेट खाना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि हमें बादाम को किस टाइम खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। यदि आपको डाइजेस्टिव की समस्या है, आपको कब्ज की समस्या है, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आपको डाइजेशन से प्रॉब्लम है, तो आप इसे भिगा के खा सकते हैं। यदि हम बादाम को भिगो के खाएंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, इम्प्रूव करने का काम करता है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन और कब्ज की जो समस्या होती है वो हम दूर करने का काम करता है। रहता है कि बादाम को हमें छिल के खाना चाहिए या फिर ऐसे ही खा लेना चाहिए। अब कुछ लोग के मन में यह सवाल रहता है कि बादाम भिगो के खाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका जो छिलका होता है ऊपर का, जो थिन लेयर होता है, उसे हम हटा देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उस थिन लेयर में क्या क्या पाया जाता है, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमें बादाम को छिल के खाना चाहिए या फिर बिना छिले हुए खाना चाहिए। देखिए, जो बादाम का छिलका होता है उसमें भारी मात्रा में पॉलीफेनॉल्स पाया जाता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, और उसके साथ साथ फाइबर भी उसमें जो कि पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी सहायक होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ कमी होता है उसको इम्प्रूव करने का काम करते हैं। अब उसी को हम अगर भिगो के उसको फिर छील के निकाल के अगर हम फेंक देंगे, फिर बताइए हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, जो हम एक्चुअल चीज़ें उसको हम निकाल के फेंक दे रहे हैं। तो हमें बादाम को बिना छीले खाना चाहिए, आप उसे भिगो कर खा सकते हैं यदि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव नहीं है, गड़बड़ है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या है, तो आप उसे भिगो के खा सकते हैं। अब काफ़ी लोग के मन में ये सवाल रहता है कि क्या बादाम को हमें भून के खाना चाहिए, यदि हम भून के खाएंगे तो क्या उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे या फिर उसके अंदर जो विटामिन होगा वो रहेगा या फिर वो ख़त्म हो जाएगा। यदि हम बादाम को रोस्ट करके अगर हम भून के खा रहे हैं तो बादाम के अंदर कोई भी चेंजेज नहीं आने वाला है, कोई भी चेंज नहीं होता है। जो उसके अंदर विटामिन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, सारी चीज़ उसमें अवेलेबल रहेगा, बस उसमें जो अंदर जो वाटर होगा वो निकल जाएगा, जल जाएगा। तो बादाम के अंदर कोई चीज़, आप उसे भून के भी आप उसे खा सकते हैं। अब कुछ लोग के मन में सवाल रहता है कि हमें किस टाइम बादाम खाना चाहिए। बादाम को आप 24 घंटे में किसी भी टाइम आप खा सकते हैं, बट डेली आप एक रूटीन बना लीजिए कि बादाम को हमें एक मुट्ठी खाना है। यदि आप कॉन्स्टिपेशन समस्या है तो आप उसे भिगा के खाइए, नहीं तो आप ऐसे ही किसी भी टाइम एक मुट्ठी बादाम रेगुलर ले सकते हैं, जो आपके शरीर में जो न्यूट्रिशन कमी होगी उसे पूरा करेगा, साथ ही साथ आप हेल्दी रहेंगे। तो ये कुछ थे बादाम के फ़ायदे। थैंक यू।